जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे व्हाट इज रिटेल फॉरेक्स मार्केट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज इंटरबैंक मार्केट, और हम ये बात जानते हैं कि हम जो भी ट्रेड कर रहे होते हैं फॉरेक्स में, हम कुछ भी बाय करें या हम फॉरेक्स में कुछ भी सेल करें, तो उसके बैक एंड पे इंटरबैंक मार्केट्स इन्वॉल्व रहती हैं, बहुत बड़े बड़े बैंक्स इन्वॉल्व रहते हैं। आज से कुछ 20 साल पहले 15 दिसंबर सन 2000 के अंदर या इससे पहले, ये जो तमाम ट्रांजेक्शन्स होती थी, ये तमाम जो ट्रेडिंग होती थी, ये इंटरबैंक मार्केट में ही हुआ करती थी। 15 दिसंबर सन 2000 के अंदर कुछ 20 साल पहले कांग्रेस ने एक एक्ट पास करवाया था, जिस एक्ट में रिटेल फॉरेक्स मार्केट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और इसका टारगेट ये था कि आम बंदा, कोई भी छोटा मोटा आदमी, कोई भी आम जैसा आदमी फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड कर सके। और बिल्कुल इसी वजह से लेवरेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो सन 2000 से पहले कंप्यूटर्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, और आप देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिसेज की जीनत थे, सिर्फ और सिर्फ ऑफिसेज में ही रहते थे, घरों में आने का तसव्वुर भी नहीं था, और एक आम आदमी, एक वाइट कॉलर, कभी भी कंप्यूटर बाय करने का सोच भी नहीं सकता था। तो इसी एक्ट के तहत कंप्यूटर्स के जो प्राइस है उनको भी रिड्यूस किया गया, और उन्हीं उसको इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया वाया इंटरनेट आपस में करेक्ट करके। तो जब कंप्यूटर कॉस्ट भी कम हो गई तो रिटेल फॉरेक्स मार्केट वजूद में आई। जैसा मैंने आपको बताया कि लेवरेज का कॉन्सेप्ट भी वजूद में आया, लेवरेज के कॉन्सेप्ट की वजह से ब्रोकर्स, ऑनलाइन ब्रोकर्स जिनके पास हम जाते हैं, जिनके पास हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ये ब्रोकर्स भी, इनका वजूद इसी कॉन्सेप्ट के बाद आया, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, अब हमें लेवरेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उनकी मदद से हम रिटेल फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। ब्रोकर हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिन सर्विसेज के अंदर वो अपना सॉफ्टवेयर में दे रहे होते हैं, MT4 सॉफ्टवेयर, इसके अलावा हमारे पैसे की देखभाल कर रहे होते हैं, अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, हम जब भी बाय का बटन दबाते हैं तो वो इंटरबैंक मार्केट में हमारी ट्रेड को लेके जाते हैं और बाय एग्जीक्यूट हो जाती है, हम जब भी सेल का बटन दबाते हैं तो वो ब्रोकर इंटरबैंक मार्केट में हमारी ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाते हैं, और विद इन मिली सेकेंड्स हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें मर्ज होके कहलाती हैं रिटेल फॉरेक्स मार्केट। आई होप आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला। मिलते हैं अगली वीडियो में।